सारे शिक्षकों में बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि अगर एक आम पब्लिक हो तो लगता क्या नहीं कर दे। विधानसभा घेराव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मांग को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डंटा चला, लाठी चलेगा, क्या करेंगे? अरे डंटा चला दो या गोली चला दो, परवाह नहीं है। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम सीएल छुट्टी लेकर के आए हैं, क्यों नहीं देंगे धरना भाई? हमारा जो अधिकार हमें मिलना चाहिए ना। हम लोगों को मुख्य मांग है कि सरकार हम लोग को बिहार का राज्य कर्मी का दर्जा दे। उनको अब सरकारें हैं, उनका अंदर में प्रशासन है, सबको एक बार कलम करवा दे, मर्डर करवा दे, उनका यही चाहिए देता हूँ। हाँ, विधानसभा घेर देंगे जब तक घेराव नहीं होगा। शाम तक चलेगी, गोली चलेगी, सब खा लेंगे। हाँ सब खाएंगे, हम लोग मार मिटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप लाइव चीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में विधानसभा के अंदर मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि शिक्षकों का मामला विधानसभा में इस बार पुरजोर तरीके से उठेगा। और देखिए नजारा भी वही है, बिहार विधानसभा एक तरफ सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के तमाम शिक्षक अब पटना में जुट चुके हैं। दूर दूर से लोग बिहार से आए हैं, सहरसा और अलग अलग जिले से ये लोग आए हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना लगातार यहाँ पर जारी रहता है। मगर अब जब एक तरफ विधानसभा चल रहा है, मॉनसून सत्र बुलाया गया है, तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर यानी गर्दनी बाग में इस तरीके से धरना, क्या क्या मांगे हैं, जो मुख्य मांगे आप लोगों की क्या क्या हैं कि विधानसभा एक तरफ चल रहा है दूसरी तरफ आप लोगों का? आज बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक विधानसभा को घेराव हेतु बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हम लोगों को मुख्य मांग है कि सरकार हम लोग को बिहार का राज्य कर्मी का दर्जा दे, समान कार्य का समान वेतन दे। और ये जो सरकार की जो व्यवस्था जो हो रही है, जिस प्रकार से सरकार कभी जो शिक्षक 15 से 20 साल शिक्षक कार्यरत है, ड्यूटी कर रहा है, उन सबों शिक्षकों कितने साल आपने काम किया? अभी तक मेरा 13 साल हुआ है। 13 साल काम किया, सरकार अब कह रही है कि बीपीएससी के थ्रू जाइए तब राज्य कर्मी। जी, सरकार की अभी नया नियमावली आई है कि जो शिक्षक बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद जो क्वालिफाई करेगा उसे हम राजकर्मी के दर्जा, वो भी जो दर्जा दे रही है, जो सरकार का जो शिक्षकों का जो पूर्ण वेतन होना चाहिए इस नियमावली में वो भी दर्शाया नहीं गया है। देखिए सरकार ये भी कह रही है कि अगर आप धरना दीजिएगा तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम सीएल छुट्टी लेकर के आए हैं, क्यों नहीं देंगे धरना भाई? हमारा जो अधिकार हमें मिलना चाहिए ना, हमें मिलना चाहिए। ये तो सरकार की वीडियो बनेगा और वीडियो के आधार, अरे भाई ठीक है, सबको उनका वीडियो बना कर अगर चाहेंगे तो उनको, अब सरकारें हैं, उनका अंदर में प्रशासन है, सबको एक बार कलम करवा दे, मर्डर करवा दे, उनका यही चाहिए देता हूँ। कितना साल आपने काम किया? हम तो 8-9 साल काम कर चुके हैं। 2 साल काम करने के बाद ऐसा फरमान आया है, क्या लगता है गुस्सा है शिक्षकों में? सारे शिक्षकों में बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि अगर एक आम पब्लिक हो तो लगता क्या नहीं कर दे। विधानसभा घेराव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हम लोग को हर क्षेत्रीय विधायक के पास घेरा डालो, डेरा डालो। विधानसभा घेराव करने के बाद आज सब पूरे बिहार के शिक्षक अपने अपने क्षेत्रीय विधायक के आवास पे जाकर धरना देंगे। घेरा डालो, डेरा डालो का एक धरना। हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, हटेंगे सर नहीं, हटेंगे। क्या लगता है ये ऐसा फरमान शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण? हाँ, ये शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को धोखा दिया जा रहा है सरकार की ओर से। ये धोखेबाज सरकार है, जितने सालों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको जो है सो धोखा दिया जा रहा है। और धोखा दिया जा रहा है और साफ तौर से ये तमाम शिक्षक जो हैं अब पटना में डेरा डाल रहे हैं, घेर देंगे विधानसभा? हाँ, विधानसभा घेर देंगे जब तक घेराव नहीं होगा। शाम तक चलेगी, गोली चलेगी, सब खा लेंगे। हाँ सब खाएंगे, हम लोग मार मिटने के लिए तैयार हैं। कितने साल? 20 साल से लठिया खाते आ रहे हैं सर, और आज भी खाने को बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पसीना भी निकलता है उसके बाद भी। आप देख रहे हैं किस तरह से पसीना बहा रहे हैं हम लोग, और जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी सरकार, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। नहीं लेंगे? नहीं, एकदम कसम खा लिया है। सरकार अगर हटाएगी तो क्या करने वाले? हटाएगी कैसे? हम लोग गोली जब सर 2004 से हम लोग हैं, अब जब 4000 से यहाँ पहुँचे हैं लड़ते झगड़ते, तो आगे भी इससे लड़ने के लिए। सरकार ने एक लेटर निकाल दिया है कि अगर शिक्षक धरना दिए
तो गए सर, तैयार हैं सामना करने के लिए, तैयार जी जी तैयार हैं। पूछ जाएंगे विधानसभा, वो लेटर निकालने वाले अपने सोचे हैं। महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव ने वादा किया था मैनिफेस्टो में, जैसे ही मैं गद्दी पर आऊंगा आप लोग राजकर्मी का दर्जा देंगे। दिए कहाँ दिए, वादा खिलाफी हो गए। बीपीएससी से हम लोग निर्वाचन आयोग में डाल रहे हैं, उनका वादा को निरस्त करवाएंगे हम लोग खुद जी। विधानसभा घेरने के लिए आए किए हैं तो घेर दीजिएगा सर। ठीक 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 सर, बोलिए ना। देखिए ये गुस्सा देखिए, और साफ तौर से ये तमाम प्रारंभिक शिक्षक संघ के लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं, और देखिए ये गुस्सा साफ तौर से देखने को मिल रहा है, और दूर दूर से ये लोग, ये शिक्षक, इन शिक्षकों का गुस्सा। विधानसभा चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पर डेरा डाल दिया है, कह रहे हैं कि विधायकों की आवाज़ को भी घेरेंगे और विधानसभा भी घेरेंगे। एकदम से घेरेंगे, विधायक हमारे द्वारा चुन करके आए हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, हम अपनी मांग को रखने के लिए, हम अपने जायज मांग को रखने के लिए यहाँ पूरे सूबे बिहार के शिक्षक यहाँ पे आए हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डंटा चला, लाठी चलेगा, क्या करेंगे। अरे डंटा चला दो या गोली चला दो, परवाह नहीं है, नहीं है परवाह, नहीं है परवाह। और अभी तो नहीं है ना, हम लोगों ने झेलता आया है और झेलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा मित्र के समय से 2003 से हम लोग संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं देती है, राजकर्मी का दर्जा नहीं देती है। हम लोग डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। विधानसभा में लगता है मुद्दा उठेगा, एकदम उठेगा मुख्य रूप से विपक्ष उठाएगी, जरूर उठाएंगे। देखिए तो समान वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा, ये दो मुद्दा जो है प्रारंभिक शिक्षक संघ के और तमाम बिहार के शिक्षकों का है, जो इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। देखिए ये गुस्सा, और कह रहे हैं कि विधानसभा तक घुस जाएंगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो। अब देखने वाली बात यह है कि जब मॉनसून सत्र बुलाया गया है विधानसभा विधान परिषद के अंदर, क्या इन शिक्षकों का मुद्दा उठेगा, क्या सरकार को विपक्ष घेरेगी। बहरहाल इसको बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो। धन्यवाद। सारे शिक्षकों में बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि अगर एक आम पब्लिक हो तो लगता क्या नहीं कर दे। विधानसभा घेराव करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मांग को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डंटा चला, लाठी चलेगा, क्या करेंगे। अरे डंटा चला दो या गोली चला दो, परवाह नहीं है। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम सीएल छुट्टी लेकर के आए हैं, क्यों नहीं देंगे धरना भाई, हमारा जो अधिकार हो हमें मिलना चाहिए ना। हम लोगों को मुख्य मांग है कि सरकार हम लोग को बिहार का राज्य कर्मी का दर्जा दे। उनको अब सरकारें हैं, उनका अंदर में प्रशासन है, सबको एक बार कलम करवा दे, मर्डर करवा दे, उनका यही चाहिए देता हूँ। हाँ विधानसभा घेर देंगे जब तक घेराव नहीं होगा, शाम तक चलेगी गोली चलेगी, सब खा लेंगे। हाँ सब खाएंगे, हम लोग मार मिटने के लिए तैयार हैं।